ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्कबुक 5, पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ए की मात्रा। न्यू मात्रा करेंगे हम, कहाँ से करेंगे स्टूडेंट्स? हम के से है, के से है। ये हम कहाँ लगाएंगे मात्रा? व्यंजन के ऊपर, इस तरह से स्लैंटिंग लाइन लगाते हुए, इस तरह से ए की मात्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम व्यंजन से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट हम राइट करेंगे क। हमने व्यंजन राइट किया क, और इसके ऊपर हमने क्या लगानी है? ये ए की मात्रा लगानी है। किस तरह से लगाएंगे ये? हम ये जो क की स्टैंडिंग लाइन है, इसके ऊपर से हम ये इस तरह से स्लैंटिंग लाइन लगाते हुए, इस तरह से यहाँ पे हम इसको सर्कल बनाते हुए इससे मैच कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? के। कैसे बोलेंगे इसे हम? के। नेक्स्ट हम राइट करेंगे ख। ख के साथ हमने ये ख की जो ये स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ से हमें इस तरह से स्लाइंटिंग ले जाते हुए इस तरह से सर्कल बनाना है। तो ये कौन सी मात्रा लगा दी हमने? ए की। तो हम इसे कैसे रीड करेंगे? खे। नेक्स्ट हम राइट करेंगे ग। ग के ऊपर हम ये इसी तरह से ये स्लाइंटिंग ले जाते हुए इस तरह से ये सर्कल बना देंगे, इससे हम मैच कर देंगे। गे। क्या बन गया स्टूडेंट ये? गे। नेक्स्ट हम राइट करेंगे, पहले हम ये व्यंजन राइट करेंगे घ। घ की ये जो स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ से हम ऊपर से इस तरह से स्लाइंटिंग लाइन लगाएंगे, आफ्टर देन हम इसको इस तरह से सर्कल लगाते हुए इससे मैच कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? घे। क्या बन जाएगा स्टूडेंट ये हमारा? घे। नेक्स्ट हम राइट करेंगे च। अब जो ये च की स्टैंडिंग लाइन है, इसके यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से स्लाइंटिंग लाइन लगानी है, और फिर इस तरह से सर्कल बनाते हुए इसे हमें मैच कर देना है। हम अभी इसे कैसे स्पीक आउट करेंगे? चे। नेक्स्ट हम राइट करेंगे छ। छ के हम यहाँ से इस तरह से मात्रा लगाएंगे ए की मात्रा, और हम इसे कैसे बोलेंगे अब? छे। नेक्स्ट हम व्यंजन राइट करेंगे ज। ज की ये स्टैंडिंग लाइन से हमें इसी तरह से ए की मात्रा लगानी है, तो क्या बन जाएगा ये? जे। नेक्स्ट हमने व्यंजन राइट किया झ। झ की स्टैंडिंग लाइन से इसी तरह से हमें ये मात्रा लगानी है ए की, तो क्या बन जाएगा ये? झे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम राइट करेंगे ट। और ट की जो ये स्मॉल लाइन है, ये स्टैंडिंग, यहाँ से हमें स्लाइंटिंग लाते हुए इसी तरह से ए की मात्रा लगानी है, तो हम इसे कैसे रीड करेंगे? टे। इस तरह से स्टूडेंट आपको के से लेकर हे तक की मात्रा जो है राइट करनी है स्पीक आउट करते हुए, और ए की मात्रा का साउंड निकालते हुए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर स्टूडेंट हम डिवीजन करेंगे साउंड ए, ई, एन, आई। इसकी डिक्टेशन की हम जो है डिवीजन करेंगे, जो हम पहले जो है ये साउंड्स कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट करेंगे साउंड ऑफ ए की डिक्टेशन करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड ऑफ ए, इसका साउंड तो आपको आ ही चुका है। तो फर्स्ट मैम ने वर्ड स्पीक आउट किया है मैट। क्या स्पीक आउट किया है? मैट। तो हम राइट करेंगे मैट, म ए टो, मैट, एम ए टी, मैट। नेक्स्ट मैम ने स्पीक आउट किया है वर्ड फैन। क्या स्पीक आउट किया है? फैन। अब फैन में देखिए जो बिगनिंग साउंड है वो क्या आ रहा है? फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या राइट करेंगे? फ ए नो। एंडिंग साउंड क्या आ रहा है फैन में? नो। तो हम एंड में क्या राइट करेंगे? नो। फ ए नो फैन, एफ ए एन फैन। नेक्स्ट स्टूडेंट वर्ड है टैप। क्या वर्ड है? टैप। अब टैप में देखिए बिगनिंग साउंड क्या आ रहा है हमारे पास? ट। तो फर्स्ट लेटर हम क्या राइट करेंगे? ट
ए पो। टैप में एंडिंग साउंड क्या आ रहा है? प। तो हम एंड में क्या राइट करेंगे लेटर? प। ट ए प टैप, टी ए पी टैप। एंड लास्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका साउंड एक का जैम। जैम में क्या आ रहा है बिगनिंग साउंड? ज। तो हम ज राइट करेंगे ए म जैम म। एंडिंग साउंड एम आ रहा है, म आ रहा है, तो हम क्या राइट करेंगे? म जे ए एम जैम। ये थे स्टूडेंट्स हमारी साउंड ऑफ ए की डिक्टेशन। अब हम करेंगे डिक्टेशन साउंड ऑफ ई की। साउंड ऑफ ई ए, इसका साउंड क्या होता है? ए। स्टूडेंट फर्स्ट वर्ड है आपका साउंड ई में नेट। क्या स्पीक आउट किया है टीचर ने? नेट। तो नेट में देखिए बिगनिंग साउंड क्या आ रहा है? न। तो हम फर्स्ट लेटर क्या राइट करेंगे? न ए तो नेट। ट एंडिंग साउंड क्या आ रहा है? ट। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर? ट न ए ट नेट एन ई टी नेट। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके लिए वर्ड है साउंड ई का मैट। क्या है? मैट। तो हम राइट करेंगे म ए ट मैट, म ए ट मैट। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके लिए वर्ड है रेड। क्या है? रेड। रेड देखिए किस में आता है? हमने कलर्स नेम किया है, कलर्स नेम में भी आता है रेड। तो बिगनिंग साउंड क्या आ रहा है रेड का? र। तो हम यहाँ राइट करेंगे र ए ड। एंडिंग साउंड ड, तो हम यहाँ एंड में लेटर राइट करेंगे ड। आर ई डी रेड। ये थे स्टूडेंट हमारी साउंड ऑफ ई के वर्ड्स। नेक्स्ट हम करेंगे साउंड ऑफ आई। कौन से वर्ड करेंगे? साउंड ऑफ आई के। साउंड ऑफ आई साउंड ऑफ आई में स्टूडेंट हम फर्स्ट वर्ड लेंगे लिट। क्या टीचर ने स्पीक आउट किया है? लिट। लिट में देखिए क्या आ रहा है, आप ध्यान से सुनिए। बिगनिंग साउंड ल। हम फर्स्ट लेटर क्या राइट करेंगे? ल। ल ई ट। एंडिंग साउंड क्या आ रहा है लिट में? ट। तो हम एंड में क्या लेटर राइट करेंगे? ट। ल ई ट लिट, एल आई टी लिट। नेक्स्ट स्टूडेंट साउंड ऑफ आई का हमारे पास वर्ड है पिन। क्या है? पिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिन में देखिए क्या आ रहा है बिगनिंग साउंड? प। तो हम राइट करेंगे प ई न। एंडिंग साउंड न है, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? न। प ई न पिन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास वर्ड है लिड। क्या है? लिड। लिड में देखिए बिगनिंग साउंड क्या आ रहा है? ल। तो हम यहाँ राइट करेंगे ल ई ड। एंड में हम क्या लेटर राइट करेंगे? ड। ल ई ड लिड, एल आई डी लिड। साउंड ऑफ आई का स्टूडेंट हम लास्ट वर्ड राइट करेंगे बिब। क्या राइट करेंगे? बिब। बिब में देखिए क्या आ रहा है बिगनिंग साउंड? ब। तो हम राइट करेंगे लेटर ब ई ब। एंडिंग साउंड भी ब आ रहा है, तो हम यहाँ कौन सा लेटर राइट करेंगे? ब। ब ई ब बिब, बी आई बी बिब। इस तरह से स्टूडेंट आपको साउंड ऑफ ए ई आई इनकी जो है आपको डिक्टेशन जो है स्पीक आउट करते हुए कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर थ्री। पेज नंबर थ्री में स्टूडेंट्स हम करेंगे काउंटिंग 400 1 to 450। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट लाइन में राइट करेंगे स्टूडेंट 100 टेंस एंड वंस। तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कौन सी? 401 वाली। तो हम यहाँ 100 से स्टार्ट करेंगे लिखना। 100 के नीचे राइट करेंगे हम 401।
401. नेक्स्ट डिजिट हम क्या राइट करेंगे? 402. 402. नेक्स्ट हम राइट करेंगे 403. 404. 405. नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी तरह से आपको 401 से लेके एंड में हम राइट करेंगे नंबर 410. यहाँ तक आपको जो है ये लाइन कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट स्टूडेंट, हम करेंगे लाइन 410 के बाद हम नेक्स्ट लाइन में क्या राइट करेंगे? कौन सी लाइन आएगी? यस, 411. तो हम यहाँ राइट करेंगे 411. नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? यस, 412. 413. 414. इस तरह से स्टूडेंट आपको 411 वाली लाइन जो है 420 तक आपको कंप्लीट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट हम 420 के बाद नेक्स्ट लाइन करेंगे 421. यस, 421. और इसके नीचे कौन सा नंबर आएगा आप बताइए? यस, 422. नेक्स्ट 423. इस तरह से स्टूडेंट आपको 421 वाली लाइन 430 तक आपको क्या करनी है? कंप्लीट. ओके, 430 के बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट लाइन करेंगे 431. यस, 431. नेक्स्ट क्या नंबर आएगा हमारे पास? 432. 433. इस तरह से स्टूडेंट आपको 431 वाली लाइन कहाँ तक कंप्लीट करनी है? 440 तक. ओके, अब हम लास्ट लाइन करेंगे स्टूडेंट. 440 के बाद हम लास्ट लाइन करेंगे कंप्लीट अपनी 441 से स्टार्ट करेंगे. पहले हम इसे 441. नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 442. नेक्स्ट 443. 444. इस तरह से स्टूडेंट आपको 441 वाली लाइन आपको कंप्लीट करनी है कहाँ तक? 450 तक. 450 तक. ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको 401 to 450 तक काउंटिंग जो है स्पीक आउट करते हुए कंप्लीट करनी है. ओके स्टूडेंट्स.